Hey guys, my name is Rahul Maran and हम एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज करने जा रहे हैं। हो सकता है ये 7 दिन के लिए हो, आपको टाइटल में पता चली गया होगा। हो सकता है कि 14 दिन के लिए, हो सकता है कि 1 महीने के लिए हो। ठीक है, मैं जब तक करूंगा कि जब तक मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में ना आ जाऊं, लोगों को कम से कम ऐसे रिजल्ट दिखाऊं कि लोग इंस्पायर हो। एंड मुझे लगता है कि 7 दिन में आ जाने चाहिए। एंड ये चैलेंज करने का रीजन क्या है गाइज, वर्ल्ड वाइड जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है गाइज, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड बहुत तेजी से बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड। लेकिन इंडिया में गाइज और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जो नेक्स्ट 10 साल 20 साल इंडिया के होने वाले एंड सेम इंडियन ई कॉमर्स के भी होने वाले हैं। इंडियन ई कॉमर्स गाइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड अगर हम इंडियन ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स से आप हो सकता है समझते हो कि आपके पास खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, खुद की इन्वेंटरी होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का इस्तेमाल करके, जो पहले इंटरनेशनली होती थी कि लोग चाइना से प्रोडक्ट डायरेक्टली यूएस में भेजते थे, लेकिन अब वही चीज इंडिया में भी हो सकती है। आपको चाइना से नहीं भेजने, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पे आपको सप्लायर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपना स्टोर बनाओ, शॉपिफाई पे आप स्टोर बना सकते हो, 20 रुपए पर महीना लगाकर आप स्टोर बनाओ। ठीक है, और सप्लायर से कह दो कि भाई जब प्रोडक्ट आएंगे मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, आप शिप कर देना। ठीक है, और आपसे पैसे भी उसी प्रोडक्ट के लेगा। सो इसलिए गाइस ई कॉमर्स करना आज के टाइम पे इंडिया में बहुत आसान हो चुका है। एंड मैं चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सबको पता चले, एंड इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सो गाइस, इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टोर बनाना? नहीं गाइस, स्टोर बनाना तो गाइस बाद में आता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी होगी कि आप बेचने के वाले हो। एंड स्टोर बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं कि आप एक थीम स्टोर बना लो, कि भाई हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, आप लेडीज हो गई, ठीक है, हो सकता है कि आपका मेंस प्रोडक्ट में, मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट हो सकता है कि आप गैजेट्स बेचना चाहते हो, तो आप एक नीश स्टोर बना सकते हो, उनको नीश स्टोर बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंडिया में जो ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री वो भी डेवलपिंग स्टेज में है, तो आप जनरल स्टोर भी बनाओगे वो भी चल जाएगा। जो नीश स्टोर की जरूरत होती है वो बाहर के देशों में होती है, कि वहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉप शिपर्स पहले से हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो स्टैंड आउट करने के लिए नीश स्टोर ज्यादा काम आते हैं। लेकिन इंडिया में आप जनरल स्टोर भी बनाओ तो उस पर अच्छे खासे आपको रिजल्ट आ जाते हैं, जो कि आपको चैलेंज में पता चलेगा। सो मैं ज़ूम कर लेते हैं कि सब जनरल स्टोर बनाने वाले हैं, ठीक है। सो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अब आपको प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी होगी, एंड इसके लिए मैं कहूंगा जो सबसे अच्छा तरीका है राइट नाउ वो है गाइस टिकटॉक। अब आप कहोगे टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, इस्तेमाल कैसे करें? लेकिन गाइस यही एक जुगाड़ू माइंड काम आता है। सो मैं क्या करता हूं कि पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं इसकी, कि मैं सबसे पहले एक VPN है, टर्बो VPN, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। सो यहां पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। VPN का गाइस बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप कहीं और से एक्सेस कर सकते हो किसी वेबसाइट को, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया। अभी जैसे कि आप देखोगे मैं यूनाइटेड स्टेट्स से नेट चला रहा हूं, तो मेरा VPN कनेक्ट हो गया USA से, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई प्ले स्टोर पर टिकटॉक अवेलेबल नहीं है, उसका क्या करना है, तो आप बेसिकली गाइस क्या कर सकते हो, गूगल पे जाइए और लिखिए टिकटॉक APK डाउनलोड, तो आप वहां से आप टिकटॉक डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बेसिकली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, रिसोर्सफुल बनिए, हाउ टू यूज टिकटॉक इन इंडिया, तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर स्क्रीन ऑफ हो गई तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको टर्बो VPN डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और आपको टिकटॉक ऐप डाउनलोड कर लेना है क्रोम से, क्योंकि प्ले स्टोर पे मिलेगा नहीं। सो आप जैसे कि देखोगे जो मेरे टिकटॉक पे गाइस आपको प्रोडक्ट की ही एड्स आएंगी सारी, ठीक है, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो US में चल रहे हैं, और जो US में चलता है वही गाइस इंडिया में चलता है, ठीक है। अब ये देखिए पहली एड ही आप देखोगे तो हमारी लाइक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की होगी। ये भी कोई क्या, ये एक सेकंड में देख लूँ, ठीक है, तो कुछ लैम्प टाइप का ये, ठीक है, ये देखिए ये भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बोतलें साफ़ करने के लिए है, ये भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, चप्पलें हैं, ठीक है। ये देखिए पांडा, ठीक है, ये पांडा भी चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एक विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इसी का ही क्या है कि इसी का ही एक वर्जन आ गया है। सो जो ये पांडा लैंप है जो भी इसमें शो हो रहा है, 82,000 आप लाइक देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहां पे लोग क्या करते हैं कि अपने पेजेस पे ये अपनी वीडियो बना के डालते हैं, और उससे क्या होता है लोग खरीदते हैं। बायो में लिंक दे देते हैं, आप देख सकते हो कि मैं कहाँ से ऑर्डर करूँ, हाउ टू ऑर्डर, जैसे कि आप देख सकते हो आई वांट वन, ठीक है। सो ऐसे इनको ऑर्डर्स आते हैं, तो इसलिए जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आपको टिकटॉक पे मिल जाएंगे। और आप सेम स्ट्रेटजी इंस्टाग्राम पे भी यूज कर सकते हो, जो हमारा इंडिया में इंस्टाग्राम है उस पर भी आप सेम ऐसे थीम पेज बना सकते हो। वहां पे आप प्रोडक्ट्स की वीडियोस डालो और अपने बायो में लिंक दे दो, तो आपको बहुत सेल आ सकती है। और इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो आप देख सकते हो अभी लिंक इन बायो दिखा रहा है, अभी लिंक इन बायो लिख रखा है इसने भी, अभी कुछ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है ये भी है, ठीक है। तो बस आपको टिकटॉक डाउनलोड कर लेना है। लेकिन जैसे आप डाउनलोड करोगे स्टार्टिंग से आपको ऐसी एड्स नहीं आएंगी। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है सर्च में, ठीक है, आपको लिखना है हैशटैग टिकटॉक मेड मी बाय इट, और यहाँ पे आपको सारे ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट की
लाइक वीडियोस आ जाएंगे, आपको लाइक करते रहनी है सारी लिंक। फिर टिकटॉक को ऐसा लगेगा कि भाई इस इंसान को ऐसी एड्स पसंद है, तो आपको सारी ड्रॉपशिपिंग रिलेटेड एड्स ही दिखाएगा, मतलब बेसिकली ई कॉमर्स रिलेटेड एड्स। ठीक है, आप ये देखिए, ये भी एक ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट है। सो गाइज, ये अभी नंबर वन तरीका है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, आपको ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च कर लेने हैं। एंड अभी मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोडक्ट रिसर्च कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। 2000 years later। सो गाइज, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमने काफी सारे प्रोडक्ट ढूंढ लिए हैं, लेकिन मैं अभी इनके नाम इनकी लिंक सभी रिवील नहीं कर रहा। आप भी एक स्प्रेडशीट लीजिए, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का लिंक, सप्लायर लिंक और क्रिएटिव लिंक, हाँ भाई कहाँ से आपको एड्स वैड्स के जो आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं वो आप डाल सकते हो। एंड ऐसे हमने काफी प्रोडक्ट ढूंढ लिए हैं, कुछ 26 प्रोडक्ट्स हैं, 26 नहीं है, कुछ कम है, मतलब कुछ आप कह सकते हो 15-20 प्रोडक्ट हैं। तो आपको भी स्टार्टिंग में इतने ढूंढने हैं। हम स्टार्ट एक से करेंगे, जैसे कि अभी मैं क्या करूंगा, एक प्रोडक्ट की आज एड चला दूंगा, एक की कल चलाऊंगा। ऐसे मैं 3 प्रोडक्ट्स का प्लान कर रहा हूं कि एड्स चलाऊं और देखते हैं 3 में से एक विनिंग मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, जब आप स्टार्ट करें तो आपको विनिंग प्रोडक्ट इतने जल्दी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक पार की नजर हो जाती है ना, वो धीरे धीरे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट चलेगा, ये नहीं चलेगा। बेसिकली प्रोडक्ट 2 तरीके के ही चलते हैं, तो नीड बेस्ड हो, मतलब कुछ ऐसी नीड सॉल्व कर रहा हो प्रोडक्ट, या फिर वो गाइस लाइक वाओ फैक्टर ऑन प्रोडक्ट्स में, जैसे पांडा है, पांडा लैंप, इसमें एक वाओ फैक्टर है, इसमें लाइट जलती है, लोगों को अच्छा लगता है, वो कितना क्यूट है, ज्यादातर लेडीज खरीदती हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, ये भी वाओ फैक्टर वाला प्रोडक्ट है, ये घर में एकदम अलग सा कर देता है। आप ये एक लैंप देख सकते हो वाला मून लैंप, बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है, बहुत लोगों को मिलियनर बनाया इसने। तो ऐसे ही गाइस, या तो वाओ फैक्टर होना चाहिए किसी प्रोडक्ट में, या फिर गाइस वो कोई प्रोडक्ट जो है नीड सॉल्व कर रहा हो। सो गाइस, नीड प्रोडक्ट्स के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एक मैंने प्रोडक्ट ढूंढा है, बता देता हूं आपको, मसाजर है वो, ठीक है, उसमें आप ऑयल डालिए और रेड लाइट थेरेपी भी देता है वो, तो लोगों के जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है वो, तो एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। वाओ फैक्टर भी है उसमें, लेकिन नीड बेस्ड ज्यादा है। एक है गाइस हमारा जूसर, एक अलग तरीके का जूसर है, कोई भी देखेगा तो कहेगा यार मुझे चाहिए वो, ऐसा प्रोडक्ट है। सो नीड वाला प्रोडक्ट हो गया वो, ठीक है। एंड एक हमारे पास, बता देता हूं इसका, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये बहुत तगड़ा विनिंग प्रोडक्ट जाने वाला है, आज ही लिख के देता हूं मैं, वो है गाइस डिजिटल हैंड ग्रीपर, आपको उसकी इमेज दिख जाएगी। सो ये बहुत तगड़ा विनिंग प्रोडक्ट जा रहा है, इस टाइम पे टिकटॉक पे बहुत दिख रहा है, इंडिया में भी जल्दी आएगा, आज मैंने आपको हिंट दे दिए, आप देखोगे कि अगले एक साल के अंदर ये बहुत हिट प्रोडक्ट होगा, अमेज़न पे बहुत बिक रहा होगा ये। ठीक है, स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट होता है पहले उसे ड्रॉपशिपर्स बेचते हैं, फिर वो अमेज़न पे आ जाता है। सो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, नीड बेस के एग्जांपल दे दिए, अब सारी लिस्ट में रिवील नहीं कर सकता। सो प्रोडक्ट रिसर्च का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब जो हमारा स्टेप आता है वो है गाइस स्टोर डिजाइन का। हम स्टार्टिंग में गाइस एक ही प्रोडक्ट रखने वाले हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाएंगे। मुझे आप 1 घंटा दीजिए, बस मुझे डोमेन खरीदना है, स्टोर डिजाइन करना है, एंड मैं आपसे मिलता हूँ 1 घंटे में। सो गाइज, हमने हमारी वेबसाइट बना ली है शॉपिफाई से, 20 रुपए लगते हैं, आप भी बना सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, 20 रुपए पर मंथ से आप अपना स्टोर बना के अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो स्टोर गाइज मैं चैलेंज के एंड में रिवील करूंगा, तो आपको चैलेंज पूरा देखना है। सो गाइज, अब बात आती है एड क्रिएशन की, अब एड लॉन्च करनी है, हमें प्रोडक्ट मिल गया है, हमारा स्टोर डिजाइन हो गया है, अब भाई एड्स कहाँ से लाएं प्रोडक्ट की, हम तो ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, पहला एक अच्छा तरीका है कि आप प्रोडक्ट मंगवा लो जो भी आपका लोकल ड्रॉपशिपर है, एक टेस्टिंग भी हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है, कि आप अच्छा कैसा प्रोडक्ट है, कैसी पैकेजिंग भेज रहे हैं वो, और आप ऐड भी बना लोगे। अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा, ये आपको करना चाहिए। एंड जो सेकंड इजी तरीका है जो मैं यूज करता हूँ, सब यूज करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जब विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो वही करो, फिर धीरे धीरे जो आपने टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट मंगाया उसी से ऐड बनाओ। तो आपको क्या करना है बेसिकली, उसके लिए आपको फेसबुक पे आ जाना है, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एक पेज खोल रहा हूँ, लेकिन सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा रहा है। सो बेसिकली मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की, ठीक है। आपको आ जाना है, लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, और आपको फर्स्ट लिंक खोल लेनी है, और ये अभी पता नहीं चल नहीं रहा है, कुछ बग चल रहा है, वैसे फर्स्ट टाइम देखा है मैंने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी नहीं चल रही। सो आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली। तो आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे आ जाना है, आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जूसर था, जो भी आपको स्पेसिफिक नाम पता होगा, जैसे डिजिटल हैंड ग्रीपर मैंने आपको बताया, आपको डिजिटल हैंड ग्रीपर डालना है, पूरे वर्ल्ड में देखना है कौन फेसबुक पे एड चला रहा है, बस आपको इतना करना है, एंड आपको दिख जाएगा हाँ भाई ये लोग एड चला रहे हैं, उनकी एड्स आप डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ी बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हो, कोई भी अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग का ऐप हो मॉडिफाई अगर आप ना भी तो भी आप चला सकते हो ऐड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर इंडिया का है कोई जिसका आप ऐड उठा रहे हो और उसने कोई लोगो वोगो लगा रखा है, वाटरमार्क है, तो मैं रिकमेंड करूंगा मत चलाओ, तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम व्लेम आ सकता है, तो देख के चलाना कि कोई लोगो वोगो ना हो, जहां तक जो इंडिया में चला रहा है उसने भी ऐड उठाई होगी बाहर की किसी की, क्योंकि ऐसा ही ड्रॉपशिपिंग में चलता है। एंड सेकंड तरीका, आप टिकटॉक पे सर्च कर लो जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर वो इंडिया में अभी तक नहीं आया तो आप टिकटॉक पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च करो, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट है .com, मैं यूएस वाले अमेज़न की बात कर रहा हूं,
वहाँ पे जरूर लिस्ट होगा, वहाँ पे देख लो कि उसके रिव्यूज में किसी ने वीडियोज डाल रखी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं वीडियोज बना के डालते हैं, तो आप उन वीडियोज को एज ए एड यूज कर सकते हो थोड़ी बहुत एडिटिंग इस्तेमाल करके। सो मैं इस चैलेंज के एंड में रिवील करने वाला हूँ अपनी एड्स भी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप ढूंढी है। मुझे तो फर्स्ट टाइम में फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे मिल गई थी, एक जना ही वो प्रोडक्ट की एड चला रहा था पूरे इंडिया में, तो मैंने बेसिकली क्या करा उसी की एड कॉपी करी, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करी एंड हमारा काम हो गया। तो आपको भी 99% एड मिल जाएगी फेसबुक पे ही या टिकटॉक पे मिल जाएगी, ठीक है, आपको रिव्यूज तक जाने की नौबत नहीं आएगी। एंड अगर किसी पे भी आपको ऐड नहीं दिख रही है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट काम ही ना है। तो मैं अगर आपको कहूंगा कहीं भी नहीं आपको ऐड मिल रही है तो आपको उसका सप्लायर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब लिंक है। अगर आपको ऐड दिख रही है तो इसका मतलब वो कहीं से सप्लाई कर रहा है, तो आपको सप्लायर मिलने में भी आसानी होगी। अगर आपको कोई ऐड नहीं दिख रही है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐड नहीं दिख रही है, तो आपको सप्लायर भी नहीं मिलेगा। सो ये सब इंटरलिंक है, अगर ऐड मिलेगी तो ही सप्लायर भी मिलेगा। तो इस चीज को आप देखिए एंड आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐड आपको 100% मिल जाएगी। सो अपनी ऐड ढूंढिए एंड यू कैन गो ऑन। सो अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट स्टेप है फेसबुक एड्स चलाने की। सो आपको फेसबुक एड्स चलाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप business.facebook.com पे आके अपना अकाउंट बना सकते हो। एंड मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब हम स्टोर सेटअप करेंगे तो आप कहोगे कि हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है उसका क्या करें, तो मैं आपको कहूंगा कि 90% जो इंडिया में सेल्स आएंगी ना आपको वो COD होंगी, अंटिल अनलेस कि आपने कोई अच्छा ऑफर दे रखा है कि हाँ भाई 10% ऑफ है प्रीपेड ऑर्डर्स पे, तो हो सकता है कि आपका 20% प्रीपेड ऑर्डर्स हो जाएं। जब भी 80% 70% COD होने वाले हैं, तो इसलिए आप COD रखिए, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी रखिए अपने स्टोर पे। एक ऐप आता है रिलीज इट, उस ऐप का इस्तेमाल कीजिए, अपने स्टोर को पूरा COD बेस्ड ही बना लीजिए। उससे क्या होता है कि Shopify का चेकआउट हट जाता है पूरा, सिर्फ आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला ही स्टोर हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू सेट अप रिलीज इट एंड यू आर गुड टू गो। सो मैं आपको क्या करता हूँ कि अपने झलक दिखा देता हूँ, एक बार थोड़ा ब्लर कर देंगे जो भी ब्लर करना होगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि हमारा स्टोर कैसे काम कर रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा स्टोर है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे एक रेटिंग का ऐप डाल रखा है जिससे आप देख सकते हो टॉप रेटेड कुछ हमने रिव्यूज डाल रखे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने काउंटडाउन टाइमर डाल रखा है, इसका ऐप आपको मिल जाएगा Shopify पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमने भी COD फॉर्म डाल रखा है रिलीज इट का, आप देखोगे यहाँ पे खुल रहा है पूरा COD फॉर्म। यहाँ पे हमने कुछ पेमेंट के आइकन डाल रखे हैं, ये आते नहीं है इसके साथ। एंड यहाँ पे गाइस क्या देखोगे कि अभी ये लोड होने पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, आपको इस बटन पे क्लिक जैसे आप करोगे, यहाँ पे आपने पूरा एड्रेस डाला, इस बटन पे क्लिक करते ही आपका COD ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ताकि प्रीपेड ऑर्डर्स ज्यादा है हमने 10% ऑफ दे रखा है, हमारे पास पेमेंट गेटवे है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा आप भी पेमेंट गेटवे ले लीजिए, तो दोनों होना बेटर है, सो आपको प्रीपेड ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही आप भी सेटअप कर लीजिए मेरे जैसा ही। अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियोस चाहिए कि ये सब चीज़ें स्टोर सेटअप, ये सब चीज़ें कैसे सेटअप करते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस अपने एड्स मैनेजर पे, आपको एड्स मैनेजर पे आ जाना है पिक्सल। आई होप कि आपको इंस्टॉल करना आता हो, नहीं आता हो अगेन यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए। एंड अगर आपको पूरा डिटेल में कोर्स टाइप चाहिए, क्रैश कोर्स टाइप, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि सब कुछ ये सेटअप वेटअप कैसे करना है, ठीक है। एंड मैं एक वर्कशॉप करने का भी प्लान कर रहा हूँ ई कॉमर्स के लिए, इंडियन ई कॉमर्स के लिए। अगर उसकी प्लानिंग पूरी हो गई तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं दिख रहा है तो अभी शायद हमने पोस्टपोन कर दिया है वर्कशॉप का आइडिया, दिख रहा है तो रजिस्टर कर लीजिए वर्कशॉप में, उसमें आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, प्रोडक्ट रिसर्च से लेके स्टोर सेटअप सब कुछ, ठीक है। सो आपको बेसिकली दो कैंपेन चलाने हैं फेसबुक एड्स में। जो फर्स्ट कैंपेन में आपको ब्रॉड टारगेटिंग रखनी है, कुछ भी नहीं छेड़ना, ना ये छेड़िए ना कुछ छेड़िए, अपनी एड चला दीजिए। सिंगल एड है कोई बात नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा 3 एड्स मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे एक ही एड चलाई है जो आपको चैलेंज के एंड में मैं रिवील करने वाला हूँ। जो हमारा सेकंड कैंपेन रहेगा, इसमें आप क्या कीजिए, एक कैंपेन और जो एडसेट लेवल पे आप क्या कर सकते हो, 3 आप एडसेट रख सकते हो, तीनों में डिफरेंट ऑडियंस, ठीक है। आप चाहो तो 6 भी रख सकते हो, लेकिन बजट आपका ज्यादा लगेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि पर एडसेट पे 500 रुपए का बजट तो रहे, मिनिमम 250 का तो रहे, 250 से कम बजट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कैंपेन्स को लाइक टेस्ट करने में, ठीक है। क्योंकि फेसबुक को डाटा चाहिए होता है कैंपेन ऑप्टिमाइज करने के लिए, डाटा आता है जब फेसबुक पैसे खर्च करता है, ठीक है। दो हमारे कैंपेन्स हो गए, फर्स्ट में ब्रॉड टारगेटिंग, सेकंड में आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है। मैं भी क्या करूंगा, मैं बिल्कुल इजी रख रहा हूं ताकि हर कोई फॉलो कर पाए। मैं एक कैंपेन बना रहा हूं ब्रॉड टारगेटिंग के साथ, एक कैंपेन बना रहा हूं एक इंटरेस्ट के साथ, सिंपल। उसमें इंटरेस्ट में 2-3 इंटरेस्ट डाल रहा हूं, अभी कैंपेन ऑन कर रहा हूं रात को 12 बजे के लिए, एंड कल डे 2 में आपको इन कैंपेन्स की परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। सो गाइस ये कैंपेन बनाने के लिए मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूं ये कैंपेन्स बनाना, बाकी चैलेंज के एंड में सब कुछ मैं रिवील करने वाला हूं, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो चलिए मिलते हैं डे 2 में।